हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्रानी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्रानी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 4। इसके पहले इसके 3 पार्ट मैं बना चुका हूँ, और फ्रेंड्स जितने मैं पार्ट बना रहा हूँ उसमें मैंने छोटे छोटे 5 क्वेश्चन लिए हैं और उसको ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ है। तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। आई प्रॉमिस कि आपको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा, नुकसान तो नहीं होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कह क्या जा रहा है कि कोई संख्या है उसमें 16 ऐड कर दिया गया तो वो संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है। ठीक है ना, लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे हम शॉर्टकट सीख वाले हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो आपको परसेंटेज का पार्ट नजर आए उसको तुरंत आप उठा के भिन्न में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या 116 सही 2/3%। तो फ्रेंड्स, इसको हम 100 + 16:2/3% इतना लिख सकते हैं। 100 का मतलब 1 होता है, इसका मतलब 1/6 होता है। ठीक है, तो ये टोटल आ गया 7/6। ठीक है, तो मतलब हम इसको यहाँ पे 7/6 लिख सकते हैं। ये कन्वर्ट करना मैंने अपने सेकेंड पार्ट में बताया हुआ है परसेंटेज के। ठीक है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, ताकि ये सब चीज़ें तुरंत मैं ये जो परसेंटेज है इसको तुरंत भिन्न में कन्वर्ट करना, ये आपको आना चाहिए, इस पर आप प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अब देखिए कहा क्या जा रहा है कि किसी संख्या में 16 ऐड कर दिया जाता है तो वह अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इसको जब हम परसेंटेज ये फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि 116 सही 2/3% 7/6 है तो भी सही है, और अगर मैं ये कहूँ कि इस 6 का 116 सही 2/3% 7 है तो भी ठीक है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये 6 7 कब बन जा रहा है? ठीक है, जब इसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 16 ऐड कर दिया जाता है तो वो अपने आप का इतना प्रतिशत हो जाते हैं, लेकिन 6 का इतना प्रतिशत है क्या? ये है। ठीक है, मतलब ये 6 7 बन रहा है, मतलब 1 ऐड करने पे, मतलब ये 1 होता क्या होगा? ये 1 16 होता होगा। ठीक, इसको आप यूनिट एज ए यूनिट लेके चलना। ठीक है, मतलब ये 1 होता क्या होगा? ये 1 16 होता होगा। संख्या ज्ञात करनी है, वो संख्या है क्या? 6 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू ना 16 × 6 हो जाएगी, 16 × 6 = 96, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 137 सही 2/1% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे 137 सही 1/2% इसको भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। ये 100 और ये +37 सही 1/2, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये +3/8 होता है, 11/8। ठीक है, मतलब हम इसको 11/8 लिख सकते हैं। ठीक है, कहा क्या जा रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो अपने आप का इतना प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, 8 का इतना प्रतिशत है क्या? 11 है, मतलब 8 में कुछ जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? ये 3 जोड़ा गया। ठीक, लेकिन ये 3 यूनिट एक्चुअल में है क्या? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 3 यूनिट इस 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये 1 यूनिट इस 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मुझे चाहिए क्या? मुझे वो संख्या चाहिए, मतलब मुझे इस 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए, मतलब ये 8 यूनिट 7 × 8 56 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 166 सही 2/3% हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इस 166 सही 2/3% को भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। सेम वही तरीका, ये 100% हो गया और प्लस ये 66 सही 2/3% हो गया, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है,
प्लस ये एक चीज़ आपको ध्यान होगी, 33:1/3 प्रतिशत, ये 1/3 का था। यहाँ पे देखिए 66 से 2/3 है, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 2/3 की वैल्यू होगी, ये 66 सही 2/3 प्रतिशत, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये 2/3 हो गया, मतलब ये 3 1 जा 3 और 2 5, 5/3 हो गया, है ना, मतलब ये 5/3 हो गया। अब क्या है कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वो अपने आप का इतना प्रतिशत हो जाता है, 3 का 166 सही 2/3 प्रतिशत क्या है, 5 है, ठीक है, मतलब एक्चुअल इस 3 में जोड़ा क्या जा रहा है, 2 यूनिट जोड़ा जा रहा है, ठीक है, और ये 2 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 20 को कर रहा है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा, 10 को करेगा। मुझे चाहिए क्या, मुझे इस 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, मतलब 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता होगा, 30 को, मतलब वो नंबर 30 है, ये आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आयत की लंबाई 37 सही 1/2 प्रतिशत बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20 प्रतिशत कम कर दी जाए, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। हो क्या रहा है कि आयत की लंबाई इतने प्रतिशत, 37 सही 1/2 प्रतिशत बढ़ा दी जा रही है और चौड़ाई 20 प्रतिशत कम कर दी जा रही है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो काम करना है, इस 37 सही 1/2 प्रतिशत को आप जानते हो ये 3/8 होता है, ठीक है, भिन्न में इसकी वैल्यू, और आप ये जानते हो कि 20 प्रतिशत की वैल्यू 1/5 होती है, लंबाई L से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्रेथ, ठीक है, ये एरिया A से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो अब आप ये जानते हो कि 37:1/2% 3/8 होता है, ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि इस 8 का 37 सही 1/2% 3 है तो भी ठीक है, ठीक है, मतलब क्या है, मतलब लंबाई पहले 8 थी, 8 यूनिट, ठीक है, उसके बाद में इसका इतना प्रतिशत बढ़ा दिया गया, तो 8 + 3 लंबाई हो क्या गई, बाद में 11 यूनिट हो गई, ठीक है, ये भी सही है, क्वेश्चन यही कह रहा है, चौड़ाई कम कर दी जा रही है, तो पहले चौड़ाई क्या थी, मान लेते हैं कि 5 यूनिट अगर पहले थी, तो इस 5 का इतना परसेंट, मतलब 1 कम कर देना है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था +11, यहाँ डिक्रीज कर रहा था -4, ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 हो गया। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, पहले इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई आता कितना था, 40, ठीक है, यूनिट स्क्वायर, अब क्या आ रहा है, 44, परिवर्तन कितने का हुआ, इंक्रीज किया है, कितना, +4 इंक्रीज किया है, तो अगर 4 इंक्रीज किया है इस 40 में, तो 100 में कितना प्रतिशत इंक्रीज किया है, निकाल लीजिए, 10, 10% की वृद्धि हुई है उसके क्षेत्रफल में, ये आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाएं, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है, आप ये जानते हो कि ये 20% होता कितना है, 1/5, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, मतलब ये 40% कितना होगा, 2/5 हो जाएगा, ठीक है, ये मैं साइड ले ले रहा हूँ, ये एरिया ले ले रहा हूँ, ठीक है, कह रहा है कि इसको 40% बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो आप ये जान रहे हो कि इस 5 का 40% 2 है, ठीक है, तो अगर ये पहले 5 था, तो इसको 40% बढ़ा दिया गया, मतलब इसमें 2 ऐड कर दिया गया होगा, यहाँ पे ये मैं साइड लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एरिया, ठीक है, अब इसको 7 कर दिया गया, कह रहा है कि तब इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक है, क्षेत्रफल स्क्वायर का साइड इंटू साइड, भुजा का होल स्क्वायर, मतलब पहले इसका जो क्षेत्रफल 25 आता था, अब वही क्षेत्रफल 49 आ रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि कितने यूनिट की हुई, +24 यूनिट, ठीक है, अगर इस 24 यूनिट की वृद्धि हो रही है 25 में, तो 100 में कितने की होगी, 25 24
चौका 96, 96% की वृद्धि हो गई, यही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।